वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जशन म्यूजिक सेंटर कोटकादर, आपका स्वागत करता है। भाइयों, आज हम आपको एक नए प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं। जैसे हम ये ट्रैक्टर वाली डेक बनाते हैं, उसी में आज हम जो है आपको एक नया मॉडल डेक का तैयार कर रहे हैं, जो चार स्पीकर आपके जो है 8-8 इंची के चार स्पीकर चला देगी, और चार स्पीकर वाला सेट आज हम बना रहे हैं। तो सभी भाइयों को निवेदन है कि हमारा जो जशन म्यूजिक सेंटर यूट्यूब चैनल है कोटकादर, उसको सब्सक्राइब कर लें। जो भी भाई नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो जो आप तक पहुंच सके। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया है हमारी वीडियो को और देते आ रहे हैं। कि देखिए, हम इसकी वायरिंग कर रहे हैं। ये हम जो है 73-88 में जो बोर्ड है उसकी जो मॉडिफाई बना रहे हैं बोर्ड का। देखते रहिए आप और जुड़े रहे हैं हमारे लाइट तक, एंड तक सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। इसमें हम जो है दो स्पीकर बजाने दो बजा लो, चार बजाने चार बजा लो, पूरा सेट है। और सभी को अच्छी तरह बता रहे हैं, वायरिंग भी करनी जरूरी है, वायरिंग के साथ साथ बता भी रहे हैं, और साथ में पीटी का भी सर्किट लगाएंगे। फास्ट जगह आवाज़ जैसी चाहिए कस्टमर को वैसी कर सकता हूँ। छोटा होगा पर इससे होगा। ये हमने ऑन ऑफ स्विच लगाया है, वॉल्यूम का भी काम करेगा और ऑन ऑफ भी करेगा, सेट को बंद भी करेगा। इस पर वायरिंग करने के बाद इसको जो अच्छी तरह हम सोल्ड करेंगे, सोल्ड कर तुरंत करने के बाद इसको हम टेपिंग भी करेंगे, जिससे जो तार वार कोई उखड़े ना। अंदर वाला सेम ही होगा। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते हैं। सभी भाइयों, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमें प्यार दो, प्यार देते रहें, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमसे जुड़े हो, हम आपसे जुड़े हो, और अभी प्रोसेसिंग चल रही है हमारी एक, और देखते हैं कि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है कि आपका जो है शॉप जो है बता दे रहे हैं, थोड़ा और ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं हम। अभी देखो कब तक खुलती है, कोशिश करेंगे कि इसी साल में कर लें। ठीक है भाई, अब हमने इस पर टेप मार दी है, इससे कोई तार वार उतरे नहीं, ग्राउंड का तार भी देती है साहब। जब ज़्यादा लोड और ये हमने बॉडी जो है इसको टाइट कर दिया है। सभी भाइयों का बहुत बहुत प्यार है भाई, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ये लॉक की नहीं था, इसमें लॉक हमने जो है लगा दिया है लॉक, और हमारे भाई आप वीडियो देखते हो, वीडियो लाइक करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमने इसकी जो वायरिंग पे जो ग्लू लगा दिया है, जिससे वायरिंग जो है उखड़े ना। अब अच्छी तरह इसको पेस्ट कर रहे हैं, ग्लू लगाने के बाद ये वायरिंग पक्की हो जाएगी, ये उखड़ेगी नहीं यहाँ से। इस डेक की लाइफ बहुत है, कस्टमर ये सोचता ना कि ख़राब ना हो, ख़राब होती नहीं है ये डेक की, ये डेक ख़राब होती नहीं है बगैर शॉर्ट सर्किट के या किसी तार वार टच होने के या स्पीकर ख़राब होने की वजह से ख़राब होगी, वरना डेक ख़राब नहीं होगी कभी भी, कोई पार्ट्स ख़राब नहीं होता। हमने देखी है हमारे पास डेक के जा रही हैं, दो दो साल कस्टमर ले के आ रहा, दो दो साल बाद कि इसमें जो है ये वॉल्यूम गड़बड़ करा है थोड़ा बहुत, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं कोई परेशानी आती नहीं है। अब हम इसमें जो है ट्रेबल लगा रहे हैं, ट्रेबल जो है ट्रेबल से आवाज़ जो साउंड सही हो जाती है। ट्रेबल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि साउंड अगर बनानी है तो ट्रेबल लगा देंगे, क्योंकि इस सर्किट में ट्रेबल लगा हुआ नहीं है साथ में। ठीक है भाई, ट्रेबल का बहुत अहम ज़रूरी है ट्रेबल। अब इसमें कुछ स्विच लगा देंगे,
और कड़ी मत बना दी है इसको जो है पनीर दो मिनट वायरिंग कर देंगे चार मिनट की बन गई चार मिनट लगा के एक घंटे अंदर और बेकार हमारे भाई जितने भी वीडियो देख रहे हैं लाइक और शेयर जरूर करते हैं। रिक्वेस्ट है भाइयों आपसे, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप अगर हमें प्यार दोगे तो भाई साहब हम तो आपके सदैव आभारी हैं और प्यार देते रहेंगे, वीडियो लाते रहेंगे, वीडियो आपको नई नई सेक्टर के बारे में जानकारी देंगे और देते आए हैं देते रहेंगे। अब बीच में थोड़े टाइम के लिए हमारे से वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि बंदे की कमी की वजह से काम था, बिजी थे ज़्यादा, तो इसलिए जो है नहीं बन पाई। ये भी जो है फ्री टाइम का ही काम होता है। अब इसमें ट्रेवल के कनेक्शन हो गए हैं, थोड़ा ही वर्क इसमें बाकी है, फिर इसकी जो है टेस्टिंग जो है हम दिखाएंगे आपको बढ़िया करके। ये इसके ट्रेवल के वायरिंग के हमने इनपुट और आउटपुट दोनों लगा रहे हैं, इनपुट लगा दिए, अब इसकी हमने जो है आउटपुट भी लगानी है। ये इनपुट लगा रहे हैं, आउटपुट लगा दिए, ट्रेवल की आउटपुट, और अब हम इसमें कार्ड असेंबल करेंगे। पीसी कार्ड जो है, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी मगर इसमें सारा चीज़ जो एक एक बारीक तरह से दिखाया गया है कि कैसे वायरिंग हुई है, ये नहीं कि कुछ हम छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कार्ड पे जो है सोल्डिंग कर देंगे अच्छी तरह, रिमोट सेंसर लगा दिया है, रिमोट सेंसर की वायरिंग करके सभी भाई हमारे जुड़े रहे हैं वीडियो के अंत तक। पूरा प्रोसेसर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हम जो है सेट जो है 12 इंची का जो है सबवूफर में, वो भी दो चार दिन में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो है तैयार रखे हैं, एक और डिमांड आ रही है कि कस्टमर की कि हमें अच्छी क्वालिटी में अच्छी साउंड और हैवी बेस में चाहिए, तो वो भी बना रहे हैं। अच्छी तो नहीं लड़ाई थी ये हमने पुश स्विच पे जो इसके नेक्स्ट वाला और आगे पीछे करने के मोड चेंज करने के उन पर वायरिंग कर दिए। एक तारे ये लोग क्या आता तू देखा और पास होकर आप वीडियो के अंत तक जुड़े हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये कार्ड हमने लगा दिया है, वायरिंग के तारों की वायरिंग कर रहे हैं स्विचों की, जल्दी ना आपने हमारी वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया है, देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी भाई मेरा चैनल पे नया जुड़ा है वो वीडियो सब्सक्राइब वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लाइक एंड शेयर कर ले, ठीक है भाइयों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत प्यार दिया, थैंक यू।